दोस्तों, क्या हमें चाइनीज सामानों से छुटकारा मिलेगा? पिछले कुछ सालों में हमने बायकॉट चाइना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से खुद को ऐसे खुश रखा हुआ है जैसे अब चाइना की नींव हिलाकर रख देंगे। चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए हमारा रवैया इतना नेगेटिव हो गया है कि कुछ कंपनीज ने इंडियन मार्केट छोड़ दिया और कुछ ने तो अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना की जगह मेड इन पीआरसी लिखना शुरू कर दिया, जहां पीआरसी का मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और दोनों देशों के बीच टेंशन तब और बढ़ गया जब भारत ने कई चीनी ऐप्स को बैन कर दिया और अपने राज्यों को भी चीन के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने का सजेशन दे डाला। लेकिन इतना सब कोशिश करने के बाद एक आम इंसान के दिमाग में यह सवाल जरूर उठता होगा कि हम चाइना की नींव कितने हिला पाए। तो दोस्तों, जवाब ये है कि अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। और हैरानी की बात है कि पिछले एक दो सालों में अपने देश की डिपेंडेंसी चाइना पर पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। हमें सामने से जो दिखता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो दिखाया जाता है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। आज की हमारी इस वीडियो में भी हम यही जानने वाले हैं कि इतने कदम उठाने के बाद भी हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाए। आखिर हमारी ऐसी क्या मजबूरी है और ऐसा क्या सामान है जो हमें चाइना से ही खरीदना पड़ता है, और हमारी देशभक्ति और सरकार के प्रयासों का कोई असर होगा भी या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1978 में इंडिया और चाइना की जीडीपी बराबर थी, लेकिन आज चीन की जीडीपी हमसे लगभग 5 गुना ज्यादा है और पिछले 40 सालों में हमने चीन को अपने से बड़ा और ताकतवर होते हुए देखा है। दरअसल साल 2000 के बाद इंडिया और चाइना के बीच इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन साथ ही ट्रेड डेफिसिट में भी काफी तेजी से इजाफा हुआ। यानी कि हम चाइना से सामान तो ज्यादा खरीदने लगे, लेकिन एक्सपोर्ट को हम नहीं बढ़ा पाए। और एक रिपोर्ट की माने तो साल 2000 से लेकर अभी तक चाइना से इंडिया का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन के आंकड़े को भी पार कर गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब हम साल 2021 में चाइना का जोर शोर से विरोध कर रहे थे, उसी दौरान हमने $125 बिलियन का ट्रेड किया, जो आज तक का सबसे ज्यादा ट्रेड है। और साल 2022 के पहले छमाही में तो हमने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और चाइना से 34.5% ज्यादा इंपोर्ट किया है, जबकि एक्सपोर्ट 35% कम होकर $9.57 बिलियन हो गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसके साथ करती है, तो उसमें भी चाइना नंबर वन पर है। असल में हम अपने कुल इंपोर्ट का 14% से भी ज्यादा सामान चाइना से मंगाते हैं, और वो भी तब जब हम चाइना से क्रूड ऑयल नहीं खरीदते। तो आखिर हम खरीदते क्या है? अगर हम मेजर प्रोडक्ट्स की बात करें जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से ऑटो कंपोनेंट्स, स्मार्टफोन्स, टेलीविजन, फार्मेसी, सोलर, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और स्टील हैं। हम अपने जरूरत की 72% मोबाइल फोन चाइना से मंगाते हैं, जबकि हमारी गाड़ियों के 26% पार्ट्स चाइना सप्लाई करता है, जिनके बिना हमारी ऑटो इंडस्ट्री रुक सी जाएगी। जहां दुनिया हमें वर्ल्ड फार्मेसी कहकर बुलाता है, और पैंडेमिक के दिनों में हमने तमाम देशों को जो मेडिकल सपोर्ट भेजकर तारीफ हासिल की थी, उसका क्रेडिट भी चाइना को ही जाता है। क्योंकि हम भले ही दवाओं का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा करें, लेकिन उनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और बायोमेडिकल इंग्रेडिएंट्स हमें चाइना ही सप्लाई करता है। दरअसल हमारे फार्मेसी इंडस्ट्री में भी चाइना का 67% हिस्सेदारी है। हम आज वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की बात करते हैं, उस सोलर इंडस्ट्री में भी 80% का कंट्रीब्यूशन चाइना का ही है। और इन सब के अलावा टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, टेलीविजन, होम अप्लायंसेस और स्टील में भी हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर बहुत ज्यादा है। इन आंकड़ों को देखकर आप शॉक्ड हो गए होंगे कि क्या हम ये खुद नहीं बना सकते? भारत चाइना से कम है क्या? तो इसका जवाब भी यही है कि अभी फिलहाल हम चाइना की तरह प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। अब इस फैक्ट को जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर चाइना ने यह मुकाम हासिल कैसे किया और आज चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री कैसे बन गई? इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। दरअसल चीन ने 1978 में अपने यहाँ आर्थिक बदलाव शुरू कर दिया था, और इसकी शुरुआत जमीन के बंटवारे से हुई, जब जमीन पर किसी का निजी हक नहीं रह गया और जमीन को हर परिवार में बराबर बराबर बांट दिया गया। और ऐसा करते ही कृषि में जबरदस्त तेजी आ गई। इंडिया में आर्थिक सुधार की शुरुआत 13 साल बाद 1991 में हुआ, लेकिन आज तक इस तरह का भूमि सुधार कभी नहीं हो पाया। माओ के बाद सत्ता संभालते ही तंग शाओपिंग ने यह रियलाइज कर लिया था कि चीन को किसी भी तरह से तरक्की करनी होगी, और उन्होंने सिंगापुर को अपना मॉडल बनाकर दूसरे देशों के लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। जबकि इंडिया में लाइसेंस राज था और एक नए बिजनेस की शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल काम था। हालांकि चाइना में भी इसका बहुत विरोध हुआ था, और 1989 में तो इस बदलाव की वजह से बगावत की नौबत आ गई थी, लेकिन चीन का लीडरशिप अपने रास्ते पर चलता चला गया। अब आपको ऐसा महसूस होगा कि चीन की डिक्टेटरशिप की वजह से तरक्की हो गई और हमें एक प्रजातंत्र होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप ही तरक्की की गारंटी होती, तो अमेरिका और यूरोप दुनिया में सबसे आगे नहीं होते, उनकी जगह अफ्रीका के देशों का नाम होता। हालांकि डिक्टेटरशिप में फैसले लेने और लागू करने का फायदा तो होता ही है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है अगर सही ग्रोथ प्लान मौजूद ना हो। और आपको यह भी याद दिला दूं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान माओ की पॉलिसी के चलते जो अकाल पड़ा और 4 करोड़ लोग मारे गए, वह डिक्टेटरशिप का ही नतीजा था। भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता। असल में 80 का दशक इमरजेंसी के बाद का दौर था, और हमारे लीडर्स के पास अपनी राजनीति से ही फुर्सत नहीं थी।
वो अपने सियासी जमीन की तलाश में देश को मजहब, जाति और अगले पिछड़े में बांटने में ही अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर दे रहे थे। भारत के ठीक उल्टा चीन एक अकेली पार्टी के शासन में था, जहां कमान और कंट्रोल के नियम एकदम सीधे और सटीक थे, जो एक ट्रस्टेड मॉडल था जिसे अपनाकर सिंगापुर, ताइवान और कोरिया तरक्की का कारनामा दिखा चुके थे। भारत इस मामले में घबराया, चकराया और एक उलझा हुआ मुल्क था जहां सिर्फ बातें होती थी। चीन में हर स्तर पर पार्टी संगठन आर्थिक गतिविधियों को भी चलाती थी। असल में वहां प्राइज और पनिशमेंट का एक ऐसा सिस्टम था जो कर्मचारियों को एक दूसरे से आगे रहने के लिए इनकरेज करता था। अच्छे काम पर प्रमोशन दिया जाता था, जिससे हालात ऐसे बन गए कि चीन के शहर और राज्य आपस में ऐसे होड़ करने लगे जैसे वे किसी अलग देश से हों। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया वो बेमिसाल है। दुनिया में कहीं भी इतनी तेजी से सड़कें, इमारतें और रेल लाइनें नहीं बनी, और इसका जबरदस्त फायदा सप्लाई चेन को दुरुस्त करने में मिला। आज देखा जाए तो कोई भी चीज एक जगह पर नहीं बनती। एक कार को भी बनाने में करीब 5000 पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें कई राज्यों या कई देशों से मंगाना पड़ता है। आज चाइना में हर फैक्ट्री इस सप्लाई चेन में सिर्फ एक हिस्से पर काम करती है, और ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन की वजह से लागत में काफी कमी आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार कि कम समय और कम खर्च में सामान का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन सही मायने में यही भारत की दुखती रग है। हमारे यहाँ फ्रेट कॉरिडोर कितने सालों से बन ही रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा ना होने का दोष लैंड एक्विजिशन को दे दिया जाता है। हालांकि भारत में जमीन लेना मुश्किल काम तो है ही, लेकिन यह भी तो देखें कि ऐसा क्यों है। निश्चित तौर पर मुआवजे और पुनर्वास की गलत नीतियों के चलते चीन ने दुनिया की फैक्ट्री बनने का रास्ता अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बनाया। ये ऐसे इलाके थे जहां लेबर और इन्वेस्टमेंट के कानून ढीले पड़ जाते थे। हमने भी इनकी नकल की, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो पाया। न तो चीन की साइज के जोन बन सके और न ही चीन जैसी फैसिलिटीज दिलाई जा सकी। इन सबके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे भी थे जो विरासत में मिले हैं, जैसे कि भारत मानसूनी बारिश पर निर्भर है, जबकि चीन में साल भर बारिश होती रहती है। इससे वहां खेती करना इंडिया की तुलना में बेहद आसान है। चीन में जमीन की भी कोई कमी नहीं है और सिंचाई के इंतजाम हमेशा से हमसे बेहतर ही रहे हैं। मानवीय पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल के मामले में चाइना और इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं। फिर भी चाइना इस मामले में भी हमसे आगे रहा है। 90s के जमाने में ही चाइना का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर 70% था, और यही फर्क हेल्थ के मामले में भी था। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज हमारे यहाँ है वो चीन में 70s के दशक में ही था। भारत में आर्थिक असमानता भी चाइना से काफी ज्यादा रही है। यहाँ गरीब और गरीब होते गए जबकि अमीर और अमीर होते गए। ऐतिहासिक तौर पर भी चाइना भारत से ज्यादा संगठित रहा है, और भाषा और रीति रिवाज के हिसाब से भी वहाँ ज्यादा मोनोटोनी रही है। उन्हें एक शासन के अंडर में रहने की आदत है, जिसकी वजह से कोई प्लान बनाने और लागू करने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये सब बातें थी जो चीन और भारत के बीच गहरा फर्क पैदा कर गईं। जाहिर है दिमाग में एक नया सवाल उठने लगा होगा कि क्या इस फर्क को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, और हम कर भी रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। PLI स्कीम के तहत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। विदेशी कंपनीज इंडिया की तरफ आकर्षित होना शुरू भी हो गए हैं। थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन पूरा भरोसा है कि अपना टाइम आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।